दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट्स के नामों पर चर्चा, जल्द आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। मीटिंग में यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा पर होगी चर्चा, इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल। कल से झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर रहेंगे पीएम, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। 1 मार्च को आरमबाग और 2 को कृष्णनगर में जनसभा को करेंगे संबोधित प्रधानमंत्री। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू बने रहेंगे सीएम, कांग्रेस का दावा, सभी मुद्दे सुलझाए गए, 5 साल चलेगी सरकार। सरकार के काम पर नजर रखने के लिए बनेगी कोऑर्डिनेशन कमेटी, 6 सदस्य समिति में प्रतिभा सिंह भी होंगी शामिल। पर्यवेक्षकों से मीटिंग के बाद बोली प्रतिभा सिंह, मतभेद दूर हुए, अगली चुनौती लोकसभा, मिलकर लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस पर जयराम ठाकुर का निशाना, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने से कुछ नहीं होगा। शिमला में बीजेपी विधायक दल की बैठक, आगे की रणनीति पर हुई चर्चा, जयराम ठाकुर बोले कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। हिमाचल को लेकर जयराम रमेश का बीजेपी पर निशाना, धनबल से कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी, सूत्रों के हवाले से खबर, रायबरेली से प्रियंका वाड्रा मैदान में उतर सकती हैं। यूपी के रायबरेली में कांग्रेस समर्थकों ने लगाए पोस्टर, प्रियंका गांधी वाड्रा के लोकसभा चुनाव लड़ने वाले पोस्टर किए चस्पा। अवैध खनन स्कैम में अखिलेश यादव का सीबीआई को जवाब, कहा मैं जांच में सहयोग के लिए तैयार, लेकिन दिल्ली में पेश होने पर जताई आपत्ति। पेपर लीक को लेकर अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा, कहा जानबूझकर कराया गया ताकि नौकरी न देना पड़े। अखिलेश को समन मिलने पर बोली डिंपल यादव, इंडी गठबंधन से डर गई सरकार, इसलिए भेजा समन। सीबीआई समन को लेकर ओपी राजभर ने अखिलेश को घेरा, कहा घोटाले के वक्त वो सीएम थे, इसलिए उनकी भी जिम्मेदारी। शरद पवार के घर पर महाविकास अघाड़ी की बैठक, सीट शेयरिंग को लेकर हुई चर्चा। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का निशाना, कहा पीएम मोदी को 400 नहीं 600 सीट का रखना चाहिए लक्ष्य। दिल्ली विधानसभा से दिल्ली एलजी पर बरसे केजरीवाल, कहा अफसरों को बुलाकर धमकाया, इसे बंद नहीं किया तो सीबीआई ईडी पीछे लगा दूंगा। बिहार विधानसभा के बाहर राबड़ी देवी का प्रोटेस्ट, आरजेडी से जाने वाले विधायकों को बताया बेशर्म, कहा पैसे लेकर विधायकों ने छोड़ी पार्टी। छिंदवाड़ा में बीजेपी में जाने की खबरों पर नकुलनाथ ने तोड़ी चुप्पी, कहा मेरे और कमलनाथ को लेकर फैलाई गई अफवाह। एमपी के छिंदवाड़ा में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, 50,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शामिल कराने पर फोकस। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर ओपिनियन पोल, 48 में से 35 सीटें जीत सकता है एनडीए, 13 सीटों पर सिमट सकता है इंडी गठबंधन। इंडिया टीवी सीएनएस ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी बन सकती है सबसे बड़ी पार्टी, जीत सकती है 25 सीटें। ओपिनियन पोल के मुताबिक उद्धव गुट को 8 सीटें और शिंदे सेना को मिल सकती हैं 6 सीटें, अजित गुट को 4 और शरद पवार गुट को 3 सीटें मिलने का अनुमान, 2 सीटों पर सिमट सकती है कांग्रेस। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, ओपिनियन पोल से साफ एनडीए को मिलेगी ज्यादा सीटें, पीएम के नेतृत्व में 45 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। ओपिनियन पोल के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का दावा, एनडीए नहीं इंडी गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलेंगी। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजा शेख को 10 दिन के पुलिस रिमांड, ईडी की टीम पर हमले के मामले में गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के बाद शाहजा शेख टीएमसी से सस्पेंड, 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। शाहजा शेख के करीबी आमिर अली गाजी पर शिकंजा, बंगाल पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार किया। शेख शाहजा की गिरफ्तारी के बाद भी बीजेपी ने ममता सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार मेहमान नवाजी कर रही है, सिर झुकाए चल रहे थे पुलिस वाले। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने बंगाल सरकार से पूछा जब गिरफ्तारी ईडी मामले में हुई तो शाहजा को क्यों नहीं सौंप रही। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की मांग, केस को सीबीआई को ट्रांसफर करें, संदेश खाली के लोग न्याय चाहते हैं। पीएम मोदी ने एमपी को 17,000 करोड़ की दी सौगात, कहा 400 पार का नारा बीजेपी ने नहीं देश ने दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पूर्व पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी, 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। महाराष्ट्र विधान भवन की सीढ़ियों पर विशेष विपक्ष का प्रदर्शन, पेपर लीक मुद्दे को उठाया, जांच की मांग की। बिहार में अपराधियों पर लगेगी लगाम, विधानसभा में अपराध नियंत्रक विधेयक 2024 पारित। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से खट्टर सरकार को झटका, अदालत से पूछे बिना राम रहीम को ना दिया जाए परोल। वेदांता को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कॉपर प्लांट को फिर से खोलने की याचिका खारिज। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया 30 लाख का जुर्माना, मुंबई एयरपोर्ट पर 80 साल के बुजुर्ग की व्हीलचेयर न मिलने से हुई थी मौत। तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में आर्मी की आर्टिलरी एक्सरसाइज, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लगाए गए निशाने। खनौरी बॉर्डर पर मारे गए किसान के मामले में एफआईआर दर्ज, सीएम भगवंत मान बोले मामले की जांच कर होगी कार्रवाई। किसान की छोटी बहन को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया।
शंभू बॉर्डर पर हिंसा करने वालों की पहचान में जुटी हरियाणा पुलिस, अभी तक 25 लोगों की डिटेल जुटा रहे हैं, 100 तक बढ़ सकती है संख्या। महाराष्ट्र के नासिक हाईवे पर बनी अवैध मजार पर गरमाई राजनीति, बीजेपी विधायक नीतीश राणे बोले मजार नहीं हटी तो हनुमान मंदिर बनवाएंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024, सीएम योगी ने शिरकत की, स्टॉल्स का लिया जायजा। जामताड़ा ट्रेन हादसे पर बोले सीएम चंपई सोरेन, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जाएगा। पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी, बम्बीहा गैंग का सदस्य अमृतपाल सिंह उर्फ नन्नू गिरफ्तार। 2023-24 की तीसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था सुधरी, अक्टूबर दिसंबर की तिमाही में 8.4% रही जीडीपी। जीडीपी में बढ़ोतरी से गदगद पीएम मोदी, कहा विकसित भारत के संकल्प पर काम कर रही है सरकार। सेंसेक्स 195 अंक बढ़कर 72,500 पर हुआ बंद, निफ्टी भी 31 पॉइंट उछला।